This conference will now be recorded. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बी शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अच्छा जी, कल तक हमने सेक्शन ई तक हमने बात की थी और उसमें सेक्शन 108 को हमने डिस्कस किया था। हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो कि इनएडमिसिबल हैं, जो आप माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। और इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर जो है वो ऐसे भी हो सकते हैं जो है ही इन एडमिसिबल, नॉट अलाउड, जो बिजनेस के लिए है ही नहीं। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए होते हैं, तो आपको उन एक्सपेंडिचर्स को उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली करना होता है। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है। अगर आप इन बिजनेस एक्सपेंडिचर्स को उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो आपको अलाउ हो जाएंगे, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो अलाउ नहीं होंगे। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अलाउ ही नहीं होते, उस पे आप टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करें या ना करें उसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अब देखिएगा, ये जो हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास जो स्लॉट आ रही है, जो नेक्स्ट सब सेक्शन है वो है सब सेक्शन डी ऑफ 21। एनी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द सच लिमिट्स। देखिए, लिमिट्स दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं मॉनेटरी लिमिट्स और एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव लिमिट्स। जैसे हमने पढ़ा मॉनेटरी लिमिट्स में, हमने पढ़ा कि लोन अगर एक एम्प्लॉई 1 मिलियन से ज्यादा लेगा तो उसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट आएगा। प्रोविडेंट फंड जो है वो 10% और ₹150, ये मॉनेटरी लिमिट्स है सारी की सारी। एक होती है क्वालिटेटिव लिमिट्स, जैसे आप भी किसी को कहते हैं यार अपने कैंडे में रहो, दायरे में रहो, यानी वो दायरा क्या है, क्या आप कोई दायरा खींचते हैं, नहीं, यानी वो जो एथिकल लिमिट्स हैं उसके अंदर रहो। तो यहाँ पर जो लिमिट्स दी गई हैं वो हमारी वो लिमिट्स नहीं है जो के क्वांटिटेटिव लिमिट्स हैं, कोई ऐसी लिमिट नहीं है, ठीक है। वो कौन सी लिमिट है, वो हमारा एक रूल है, रूल 14, जो आपकी किताब में गिवन है, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। और इन वायोलेशन ऑफ सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब सवाल ये है कि क्या एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स अलाउ ही नहीं है, यस और नो? सवाल ये है, नहीं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स अलाउ हैं, यस दीज आर अलाउड, लेकिन इसकी कंडीशंस है। नंबर वन कंडीशन कि ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू कि आप उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप इसको पूरा करेंगे, वो लिमिट्स क्या है, नंबर टू क्या है कि वो लिमिट्स, लिमिट्स यानी वो कहां कहां आप एक्सपेंसेस को खर्च कर सकते हैं, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, नंबर वन प्लस नंबर टू, सॉरी, तो एक्सपेंसेस होने चाहिए एंटरटेनमेंट प्लस उसकी जो लिमिट्स है उसको वो पूरा करने चाहिए। अच्छा जी, इसकी पहले जरा इसके साथ हम देखते हैं, कि हमारी वो लिमिट्स क्या है। मैं आपको आपकी किताब से अभी आपको वो दिखाता हूं, सेक्शन रूल्स 14। हमें लिमिट्स याद करनी है ये वाली एंटरटेनमेंट की, लिमिट नहीं, उसको रीड करेंगे तो याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है वो, आप उसे परेशान ना हो। बिजनेस, लेकिन सर ये लैदा भी पूछी हुई है ना पेपर में। हाँ, ये लैदा एग्जाम में आई हुई है, ये नहीं कि उसको नहीं करना, अनइम्पोर्टेंट नहीं है वो। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स पेज 267 है।
पेज 267 के ऊपर। ये मैं जरा जी इसको कॉपी कर लूं। ये आपके पेज 267 के ऊपर है, ठीक है जी। ये है वो, तो उसमें लिखा हुआ है अ डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर शैल बी लिमिटेड टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड। लिमिटेड है, क्या लिमिट है? नंबर वन, एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर हो, ऑन एंटरटेनमेंट इन कनेक्शन विद बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके डायरेक्टर जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, ठीक है ना, वो एग्जीबिशंस आप करते हैं, तो उन डायरेक्टर्स को वहां ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस दिया जाता है उसको, वो आपको अलाउ है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि उनको एंटरटेनमेंट ही पहुंचाई जाए, उनको कहा जाए कि यहाँ से आप पेप्सी की बॉटल ले जाए, यहाँ से खाना ले जाए, नहीं, उनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। और बाज का तो ये होता है कि उनको पर डे के बेसिस के ऊपर भी पेमेंट कर दी जाती है। जैसे मुझे याद है कि हम अपने डायरेक्टर को $200 पर डे के हिसाब से पे करते थे, उस 200 डॉलर में, और देखिए अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है आजकल के हिसाब से, तो देखिए 30,000 पर डे। तो उनको कहा जाता जी आप खाना पीना इसमें से खा लें, प्लस होटल का स्टे वगैरह जो है वो कंपनी पे करती थी, तो ये भी आपको अलाउ है। फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पाकिस्तान, एक है आउटसाइड पाकिस्तान और एक है इनसाइड पाकिस्तान, ये भी अलाउ है। आप जो है वो इनको भी पाकिस्तान के अंदर भी एक्सपेंडिचर जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड भी अलाउ है, इनसाइड भी अलाउ है। ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर, और अगर वो कस्टमर पाकिस्तान में आ जाए तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है, ये पर्ल कॉन्टिनेंटल में, अवारी में, और ये एम्बेसडर होटल में ये लोगों को ठहराते हैं, उनको सारा बोर्डिंग लॉजिंग वगैरह हर चीज प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड क्लाइंट, आपके जो क्लाइंट आते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं, उनके ऊपर जो आप खर्चा करते हैं वो भी अलाउ है। वो कौन से खर्चे हैं? जैसे आप कभी किसी ऑफिस में जाए, बैंक में जाए, तो आपने देखा पानी की बॉटल्स पड़ी होती हैं, या बड़ी पानी का एक वो डिस्पेंसर पड़ा होता है, वो एंटरटेनमेंट है। कुछ बैंक्स वाले चाय भी पिलाते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, बड़ी कंपनीज में जाए तो वो भी करते हैं, तो वो भी अलाउ है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट एट अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, एजेंट्स, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज। तो देखिए ये सारी एंटरटेनमेंट आपको अलाउ है। अ पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन ओनली फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एंटरटेनमेंट ऑफ पर्सन रिलेटेड डायरेक्टली टू द बिजनेस। इसका ताल्लुक बिजनेस से होना चाहिए, ये नहीं है कि किसी डायरेक्टर की बेटी की शादी है और उस शादी के अंदर वो क्या करे, उसको बिजनेस का खर्चा डिक्लेयर कर दे, अपने क्लाइंट भी बुला ले और फैमिली को भी बुला ले और कहे ये तो बिजनेस के लिए था। तो भाई ये तो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंस अलाउ नहीं होते। क्यों? क्योंकि सेक्शन 20 ने शुरू में ही हमें बता दिया, सेक्शन जो हमारा 20 था उसने शुरू में ही बता दिया कि वो तमाम एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के लिए किए जाएंगे वो आपको अलाउ है। इसका मतलब पर्सनल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि एंटरटेनमेंट से क्या मुराद है? क्या हर चीज एंटरटेनमेंट में आती है, या सिर्फ एंटरटेनमेंट में खाना पीना ही है, सर्विसेज नहीं होती? सवाल ये है कि क्या गुड्स प्लस सर्विसेज, क्या दोनों आती हैं उसमें या नहीं आती? एंटरटेनमेंट मीन्स द प्रोविजन ऑफ मील्स, रिफ्रेशमेंट एंड रीजनेबल लेजर फैसिलिटीज। ये क्या है? लेजर फैसिलिटीज यानी अकोमोडेशन वगैरह। अब देखें जैसे पर्ल कॉन्टिनेंटल है, वहां स्विमिंग पूल है, तो उसके अलग से चार्जेस हैं, तो वो अपने कस्टमर को, पेज नंबर शेप क्या है, 267 किताब का 250 उसके ऊपर ये नहीं 267 लिखा हुआ सर, ये लास्ट ई पॉइंट्स आगे नहीं लिखा हुआ सर, थर्ड ये टू ऑप्शन नहीं फिफ्टी है एट है
258 ये आपका चैप्टर जो है वो 13 चैप्टर है बेटा, उसका देख लें कौन सा पेज है आपका। अच्छा मैं ओपनिंग मैंने ई को पढ़ा ही नहीं ना, ब्रांच ओपनिंग के ऊपर आप जो एंटरटेनमेंट करवाते हैं वो भी अलाउ है, जैसे गोरमे वगैरह की इनकी डोसे की ब्रांचेज ओपन होती है ना, तो वो फ्री उसमें वो बांटते हैं, मिठाई बांट देते हैं, बास का आइसक्रीम बांटते हैं, इस तरह की चीजें, तो वो भी अलाउ है जी। तो हम बात कर रहे थे कि ये तमाम सहूलतें अकोमोडेशन उसमें आ जाती हैं, और बास कस्टमर को जो है वो स्विमिंग पूल की फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर देते हैं, और भी जो वहां पर वो चाहते हैं उनको प्रोवाइड की जा सकती हैं अकॉर्डिंग विद द ट्रेडिशन ऑफ द बिजनेस एंड सब्जेक्ट टू ओवरऑल नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ द बिजनेस इन पाकिस्तान, के उसके अकॉर्डिंगली उनको तमाम सहूलियत प्रोवाइड की जा सकती हैं। ये था जी एंटरटेनमेंट। ये एग्जाम में आप देखेंगे ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि उसने कहा हुआ है कि डिफाइन एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये डेफिनेशन हमें देनी है, उसने लिमिट्स पूछी है और फाइनल में भी आया हुआ है, तो आप लिमिट्स क्या देंगे, ये वाली सारी लिमिट्स आप बता देंगे, ये सारी चीजें आप एग्जाम में लिख देंगे कि पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर कस्टमर को, शेयर होल्डर को, एम्प्लॉयज को, ये सारी चीजें अलाउ है कि आप उसको एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा था एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का सबसेक्शन डी, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लीजिएगा। अगला ये जो पॉइंट जी सर, खाले साहब ने सबसेक्शन थ्री तो नहीं लिखा बुक में, थ्री कौन सा, ये जो एंटरटेनमेंट का मीनिंग है डेफिनेशन नहीं दी हुई है किताब में सर, सर जी दी हुई है पेज नंबर 258 पे, सर जी ये पेज 258 है। हाँ वो कह रहे हैं इसका जो सब सेक्शन 3 है वो गिवन, सब सेक्शन ही असल में ये रूल है बेटा, ये रूल 14 है, ये रूल 14 है या देखिएगा मैं गलत, या 10 है, ये 14 है या 10 है, इसमें से कोई एक रूल है ये सर, रूल 10 है, रूल 10 है, रूल 14 तो था उसके लिए डेज के लिए, सॉरी मैं गलत कह गया, डेज काउंटिंग का था। अच्छा जी, उसके बाद ये जो ई और एफ पॉइंट है ना, ये आपस में मिले हुए हैं, कोरेक्टेड है, ठीक है, इनको जरा हमें मिला के पढ़ना पड़ेगा। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन, जो अब यहां पर्सन कौन है, एम्प्लॉयर, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अ फंड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड एंड पेंशन फंड, और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, और अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड। यानी अगर आप इन फंड में कौन कौन से हैं, दोबारा सुनिएगा, वो आपका प्रोविडेंट फंड है अनअप्रूव्ड, वो आपका पेंशन फंड है अनअप्रूव्ड, सुपरएनुएशन फंड है आपका अनअप्रूव्ड, और ग्रेच्युटी फंड है आपका अनअप्रूव्ड। अगर वहां आपने डाल देंगे पैसे तो वो क्या होगे, आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं किए जाएंगे, वो आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। दोबारा सुन लें, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अ फंड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज, नॉट रिकॉग्नाइज मीन अनरिकॉग्नाइज, प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज, पेंशन फंड अनरिकॉग्नाइज, सुपरएनुएशन फंड अनरिकॉग्नाइज, ग्रेच्युटी फंड, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसने जो पहले कर दिया ना, नॉट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो ये सारी बात जो है वो आगे चलती जा रही है, ठीक होगी बात। आप सुनिएगा, अगर एग्जाम के अंदर सिर्फ इतनी ही बात लिखी जाए कि अगर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एन अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, तो आपने क्या करना है, उसको डिसअलाउ करना है। देखिएगा, जैसे सैलरी एक्सपेंस इंक्लूडेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ 500,000, दिस इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस अलाउ नहीं है। सैलरी एक्सपेंसेस इंक्लूड अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, दिस इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। अच्छा अब जरा मैं आपको एक और चीज कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाए। देखिए, जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को बेनिफिट्स देता है ना, उसकी क्या शक्लें होती हैं, उसकी होती है बेसिक सैलरी,
हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अकोमोडेशन, कार देता है ना। अब जरा सुनिएगा, अगर अपने एम्प्लॉय को वो बेसिक सैलरी दे रहा है, हाउस रेंट दे रहा है, मेडिकल अलाउंस दे रहा है, तो अपने खाते के अंदर वो इसको एक ही हेड में डालता है जिसको हम कहते हैं सैलरी एक्सपेंस। यानी एम्प्लॉयर के लेजर के अंदर आपको ये हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, बेसिक सैलरी अलग अलग नॉर्मली नहीं मिलेगी, वहां एक ही हेड होगा सैलरी एक्सपेंस यानी एम्प्लॉयर को। इसी तरह वो प्रोविडेंट फंड देता है उसे, वो प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन डालता है वो दे तो फंड को रहा होता है, लेकिन इसको भी कहां डालता है, वो सैलरी एक्सपेंस के अंदर ही। तो जितने वो कैश बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दे रहा होता है सारे के सारे कहां डालता है, यहां पर। अब सुनिएगा, लेकिन दूसरा काम ये करता है कि अगर वो घर उसका अपना है, वो फ्लैट कंपनी के अपने है, कार कंपनी की है, तो इसके लिए क्या करता है, वो इसकी डिप्रिसिएशन चार्ज करता है उन एसेट्स की डिप्रिसिएशन अपनी किताबों में चार्ज करता है। लेकिन अगर कार का रेंट देगा तो रेंट को कहां डालेगा, यानी वो सिर्फ इंप्लॉय के यूज में आ रही है, तो रेंट को कहां डालेगा फिर, सैलरी एक्सपेंस में। ये बात समझ आएगी आपको कि एम्प्लॉयर का अब क्या प्रोस्पेक्टिव है। एम्प्लॉयर हर चीज को जो है वो अलग अलग नहीं गिनता, वो एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस दे, मेडिकल अलाउंस दे, जितने भी अलाउंसेस देता है उसके लिए वो सैलरी एक्सपेंस गिना जाता है, लेकिन उसके जो एसेट्स होते हैं उसके ऊपर वो डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। इस तरह से तो एम्प्लॉय क्या करता है, उसको अपनी इनकम का हिस्सा बना रहा होता है और एम्प्लॉयर उसको अपने एक्सपेंस का हिस्सा बना रहा होता है। तो इस तरह से हमारा टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो पलड़ा होता है ये बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट का असल असूल यही है कि एक बंदा अपनी इनकम डिक्लेयर करे तो दूसरा उसको अपना एक्सपेंस डिक्लेयर करे। अब सुनिएगा, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के लिए हम कहते हैं कि अगर ये प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड होगा तो इसका एनुअल कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, और अगर ये रिकॉग्नाइज होगा तो उसका तरीकेकार क्या है कि हम कहते हैं 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और रुपीज 150,000 विच एवर इज लोअर, वो उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक होगी बात। लेकिन एम्प्लॉयर के लिए, उसके लिए ये वाली चीजें नहीं है। एम्प्लॉयर के लिए ये होगा कि अगर वो प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड जो है उसमें कंट्रीब्यूट करता है तो वो देखेगा कि क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। अगर ये अनरिकॉग्नाइज्ड है तो इसको एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, अगर ये रिकॉग्नाइज्ड है तो इसको सारा एक्सपेंस अलाउ होगा। अब दोबारा सुनिएगा, मसलन एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है बेसिक सैलरी है उसकी 18 लाख रुपया, और वो कंपनी प्रोविडेंट फंड चला रही है कितना, 10%। तो इस साल एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, वो आ गई उसकी 1,80,000। तो रूल क्या है हमारा कि हम ये कहते हैं कि 10% ऑफ द बेसिक सैलरी विच इज 180,000 और रुपीज 150,000 विच एवर इज लोअर, तो इसके एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन में 1,50,000 रुपया माइनस होगा और 30,000 इसकी सैलरी में ऐड होगा और इसकी सैलरी बन जाएगी 18,30,000 रुपया। अब देखिएगा, ये तो था अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड का। एम्प्लॉयर के लिए ये 18 लाख रुपया प्लस 1,80,000 रुपया ये टोटल एक्सपेंस है। ये इसलिए एक्सपेंस है कि बेसिक सैलरी है, उसने सैलरी पे की है, और प्रोविडेंट फंड इसलिए सारे का सारा इसका एक्सपेंस है
क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड है, तो यहाँ पर 10% का रूल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फाइनल के अंदर क्वेश्चन में एक चीज आई, उसने कहा कि उसने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन दी है वो 10% नहीं बल्कि कितनी है, 12%। भाई ये जो 12% है इसका ताल्लुक एम्प्लॉई के साथ है, एम्प्लॉयर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एम्प्लॉयर अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करे, वो 10% हो, 5% हो, 12% हो, 20% हो, 100% हो, कोई बात नहीं, उसके लिए सिर्फ रिकॉग्नाइज होना ही उसको अलाउ कर देगा। ये बात समझ आई आपको? तो इसलिए आपने इसको मिक्स नहीं करना, एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट और है, एम्प्लॉयर का ट्रीटमेंट और है। एम्प्लॉयर से कहा जा रहा है कि रिकॉग्नाइज होगा तो अलाउ है, अनरिकॉग्नाइज होगा तो ये अलाउ नहीं होगा, ये बात यहाँ की जा रही है। अच्छा, अब इस सब सेक्शन जी मुझे सर, ये बिजनेस में लेता हूँ बेटा, मैं अभी मैं आपसे मुझे ये पूरा एक एरिया कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपका आपको आंसर करता हूँ। अब ये जो एफ है ना, ठीक है, वो असल में देखा जाए तो इसकी एक्सेप्शन है ई की, ई की एक्सेप्शन है। कैसे? कहते जी, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द पर्सन अनलेस द पर्सन हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर दैट द टैक्स इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 149 फ्रॉम एनी पेमेंट मेड बाय द फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिसिपिएंट इज चार्जेबल टैक्स अंडर द टैक्स हेड सैलरी। कहता हाँ, अगर एम्प्लॉयर जो है वो इस बात की तस्दीक करे कि भाई मैं जब इसको पेमेंट करूंगा तो इसका मैं टैक्स काट लूंगा, बेशक अनरिकॉग्नाइज है। अब दोबारा उसी इधर ही आए, इधर आते हैं दोबारा। हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज में किया तो उसको एक्सपेंस अलाउ है। एक एम्प्लॉयर है, दो एम्प्लॉयर हैं, एक है दोनों अनरिकॉग्नाइज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक कहता है कि जनाब मैं जब इनको पेमेंट करूंगा तो इनका टैक्स विदहेल्ड करूंगा अंडर सेक्शन 149। तो लॉ कहता है बेशक ये अनरिकॉग्नाइज है, चूंकि तुमने ये अरेंजमेंट कर लिया कि जब तुम इसको पेमेंट करोगे तो इसका टैक्स विदहेल्ड करोगे, तो फिर तुम्हें अलाउ है। दूसरा एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं, ना मेरा प्रोविडेंट ये फंड जो है रिकॉग्नाइज्ड है और ना ही मैं इसका टैक्स विदहेल्ड करूंगा, मैं इसका टैक्स विदहेल्ड करूंगा, तो लॉ कहता है तुम्हें अलाउ नहीं है। तो हमारी समरी क्या बनी कि अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में पैसे डालेंगे तो फिर आपको अलाउ है, लेकिन अगर आप अनरिकॉग्नाइज किसी फंड में पैसे डालेंगे तो उसमें आपको फिर ये एक नया काम करना पड़ेगा कि आपको उसका टैक्स काटना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर ये वाली कंडीशन टैक्स काटने वाली नहीं है, इसमें ये कंडीशन मौजूद है, तो ये हमारा इस तरह से पूरा होगा। अब यहां सुनिएगा, एग्जाम में अगर एग्जामिनर अब ये लिखे कि ये देखे नीचे मैंने स्टेटमेंट एग्जाम्पल भी दी है, सैलरी एक्सपेंसेस इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹500,000। हाउएवर ये देखिएगा, द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर दैट टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 149, दिस इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। इस लाइन और इस लाइन में फर्क देखिएगा, क्या फर्क है दोनों में? डिफरेंस यही है कि यहाँ ये स्टेटमेंट नहीं दी हुई, लिहाजा ये डिस अलाउ होगा, यहाँ ये स्टेटमेंट दी जा रही है इसलिए यहाँ पर ये अलाउ होगा। जी अब मेरे से क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है सर, पूछे सर, ये इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक अमाउंट पर जो टैक्स कट गया तो उसमें दोबारा टैक्स नहीं कटेगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर एक दफा टैक्स कट जाएगा तो दोबारा टैक्स नहीं कटेगा, ये तो बिल्कुल एस्टेब्लिश बात है सर। जी सर,
जी वालेकुम सलाम जी समी, मैंने कहा था बेटा अब जब आप दोबारा एंटर होंगे तो साथ ना इसके अपने आपने अपना ब्रैकेट में नंबर लिखा करें। जी बेटा सर मैं इधर कंफ्यूज हो रहा हूँ, फर्ज कर रहा हमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सैलरी और बिजनेस है, सैलरी हमें एम्प्लॉयर से मिल रही है और बिजनेस मारा है, तो उसमें ठीक प्रोविडेंट है फंड हमें एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है, ठीक है तो हमारा बिजनेस है तो प्रोविडेंट फंड का उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, वो तो अलग है ना, नहीं बेटा, वो सवाल हमें ये है, एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है ना। देखें, एक है मैं एक जगह पर नौकरी करता हूं, उसका ट्रीटमेंट अलग है, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, अकोमोडेशन वगैरह, बला बला, ये सारी चीजें आएंगी, प्रोविडेंट फंड भी इसमें आ गया, ये मेरी टैक्सेबल सैलरी आ गई। एक मैं खुद बिजनेस कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो इसका तो ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर मैं अपने बिजनेस में लोगों को प्रोविडेंट फंड मैं भी दे रहा हूं, तो मेरा जो मैं प्रोविडेंट मेरा एक्सपेंस है, मैं दे रहा हूं ना, मैं अब आपने इनफ्लो की बात नहीं करनी, अब आपने खर्चे की बात करनी है कि मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए रिटायरमेंट प्लान रखे हुए हैं और उसमें पैसे डाल रहा नहीं ये हूं, ये मैं सर, बात असल कर में रहा ना, असल में ये दोनों मिक्सअप हो रहे थे इसलिए ना कंफ्यूजन हो रही थी। हूं। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, सैलरी का तो जो हम पढ़ चुके हैं ये वैसे ही ट्रीटमेंट है सारे का सारा। मैं समझा ये रहा था, प्रोविडेंट फंड का असल में लफ्ज यहां पर भी आया था, प्रोविडेंट फंड का लफ्ज अब यहां पर भी आ रहा है, तो स्टूडेंट अक्सर मिक्स करते हैं इसको। यहां पर जब आया था तो ये आपका इनफ्लो था, पैसे आ रहे थे, यहां पर आप पे कर रहे हैं इम्प्लॉयज को, यहां आपकी सेल पड़ी हुई है और सेल में से आप एक्सपेंस कर रहे हैं और एक्सपेंस में यहां सैलरीज पड़ी हुई है, उसके अंदर प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है, वो देखना है क्या इसमें सही शामिल है या नहीं है, ये बात हो रही है। यहाँ आपको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है एम्प्लॉयर से, उसका ट्रीटमेंट अलग है, ये हम पे कर रहे हैं। यहाँ इसका था कि अगर रिकॉग्नाइज होगा तो उसका मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट बता दिया, यहाँ रिकॉग्नाइज होगा तो आप उसको सैलरीज में ऐड कर सकते हैं एक्सपेंसिस में, अनरिकॉग्नाइज होगा तो फिर आपको ये बात मेक श्योर करनी पड़ेगी कि उसके ऊपर टैक्स कटा या नहीं कटा, ये मैंने बात की है। जी मेरा बेटा, सही है सर, ओके अब ठीक हो गया? ओके। सर जी एफ में देखिएगा, इसमें इसमें लिखा है इसने कि टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड एस्टैब्लिश, इसमें अनरिकॉग्नाइज का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। हाँ आप सही कह रहे हैं, उसने यही कहा है कि अनलेस द पर्सन हैज प्रोविडेंट और अदर फंड एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द पर्सन, अनलेस द पर्सन हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट टू सिक्योर दैट द टैक्स इज डिडक्टेड अंडर, इसके अंदर मैंने कहा ये ई भी आ जाते हैं और बाकी सारे भी आ जाते हैं, ये बात याद रखें। यानी आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर कोई प्रोविडेंट रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड है और आप टैक्स नहीं काटते उसका, अगर वो टैक्सेबल है तो, अगर वो टैक्सेबल है तो फिर भी वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब बात समझ आ रही है? यानी आप इसको समझें कि जहां पर हमने वो गालबन सेक्शन बी पढ़ा था ना कि इफ एनी पेमेंट इज मेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो आप कह सकते हैं ये उसकी भी एक्सप्लेनेशन है, ये असल में उसकी भी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ई की एक्सेप्शन कैसे, वो कैसे सुनिएगा, यानी ऐसे है कि अगर आपका प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज नहीं है लेकिन आप टैक्स काट लेते हैं, तो फिर आप यहां आके आपको अलाउ हो जाता है वो। अगर आप अनरिकॉग्नाइज में डालते हैं तो आप तो थे ई में लेकिन आपने उसका टैक्स काट लिया, तो आप कहां चले गए, एफ में। तो अब आपको एफ के अंदर जाके सब सेक्शन एफ ऑफ 21 वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, अब आपने ये करना है। अब क्लियर हुआ ये? जी सर, क्लियर। सर जी सर, क्लियर हो गए अच्छा जी, सर। कोई टेस्ट सिस्टम वगैरह नहीं ला रहे हम सर, कौन सा, कोई टेस्ट वगैरह नहीं लेना है। टेस्ट जो है ना वो एक अभी एक हफ्ता हुआ है ना, मेरे 2 हफ्ते हो गए हैं। शुएब,
जी सर, ये आज हम डिसाइड करते हैं टेस्ट का, क्योंकि इसमें जो है जी वो सर, काफी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, ये टेस्ट के बगैर अगर हमने चले गए तो ये सारा काम खराब हो जाएगा। यस सर, ठीक है, तो इसको हम जो है वो अब मेक श्योर करना है कि ये सर, टेस्ट जो है पहले कॉन्स्टिट्यूशन का अलग टेस्ट लेना है, 10 नंबर का अलग टेस्ट होगा, सेक्शन 21 का बिल्कुल अलग से टेस्ट होगा, ये दो अलग ठीक अलग है, तो टेस्ट सर हो गए हमारे। पुराने वाले मेथड से ही ले लेते हैं। हाँ ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम उसको एक हम मंडे को कर लेते हैं, एक सैटरडे को और एक मंडे को कर ले, ऐसे कर ले। जी सर ठीक है, कर लें। मंडे को कॉन्स्टिट्यूशन का कर लें और बेसिक्स का, और बाद में उसके तुम बस का कर लेते। एथिक्स कर देंगे, हाँ जी एथिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन का इकट्ठा कर देते हैं। हाँ वही ना, 10 नंबर वो हमारे क्लियर हो जाए। जी सर ठीक है। अच्छा जी, एनी आगे है जी, जी सब सेक्शन 21 और जी, एनी फाइन और पेनल्टी, एनी फाइन और पेनल्टी पेड और पेबल बाय द पर्सन फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, ये असल चीज है, फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ, किसी भी कानून की, वो बेशक इनकम टैक्स का हो, वो सेल्स टैक्स का हो, ठीक है, वो आपका जो है वो कुछ सिविल लॉ हो, आपने ट्रैफिक की वायोलेशन की हो, कोई भी लॉ हो, एनी लॉ अगर उसकी वायोलेशन करेंगे तो वो पेनल्टी और फाइन आपको अलाउ नहीं होगा। रूल और रेगुलेशंस हाउएवर बिजनेस पेनल्टीज आर अलाउड, बिजनेस पेनल्टीज आपको अलाउ है। बिजनेस पेनल्टीज कौन कौन सी होती हैं? मसलन आपने किसी को कहा कि मैं आपको एक घर बना के दूंगा, आप बिल्डिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसने कहा कि अगर आपने मुझे 1 साल के अंदर घर ना बना के दिया तो मैं आपको 1 लाख रुपया पेनल्टी डालूंगा, यानी आपने हर सूरत में ये घर कंप्लीट करना है, ये डन हो गया, आप 1 साल से ऊपर चले गए, आपको उसने 1 लाख रुपए पेनल्टी डाल दी, ये अलाउ है। इसी तरह जब आप इंपोर्ट करते हैं ना पाकिस्तान में, तो इंपोर्ट के टाइम के ऊपर आप जगह इस्तेमाल करते हैं अक्सर रेलवे की, पाकिस्तान रेलवे जो है उसकी जगह इसके आप डैमरेज पे करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, डैमरेज होता है उसका रेंट आप पे करते हैं, तो बाज औकात आपका कंटेनर क्लियर नहीं होता तो रेलवे वाले आपसे मजीद डैमरेज चार्ज करते हैं उसकी, तो ये भी अलाउ है, इसमें आपका कसूर नहीं है, किसी कानून की वायोलेशन नहीं है। समझ आ रही बात की? ये देखिएगा इसकी एग्जांपल्स, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूडेड 45,000 पेड एज अ फाइन फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ गुड, दिस डिडक्शन इज अलाउड, ठीक है, डिले हो गई, उसने आपको पेनल्टी डाल दी तो ये आपका एक्सपेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड अ पेनल्टी ऑफ 25,000 इंपोज्ड बाय द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, तो उसने क्यों डाल दी आपको, आपने इनकम टैक्स की वायोलेशन की होगी, फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है, दिस एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर बाय द पर्सन, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होंगे। अच्छा यहाँ पर एक दो चीजें हैं, मैं आपसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं। एग्जाम में बात जगहों पर आता है कि उसने सैलरी विथड्रॉ की, ₹100,000 पर मंथ, तो दिस इज नॉट अलाउड। लेकिन एग्जाम में बाज बात यह भी आता है कि उसने सैलरी पे की अपने भाई को, पे टू हिज ब्रदर ₹100,000 पर मंथ, तो ये अलाउड है। इसमें हम अजम्पशन एग्जाम में ये लेते हैं कि उसका जो भाई है वो बिजनेस के लिए काम कर रहा था, ठीक है, ये पॉजिटिव अजम्पशन के साथ हम उसको अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए
मिस्टर ए जो है वो बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है, और उसके केस वो सैलरी ले रहा है, तो फिर भी ये अलाउ नहीं है। ये मैं आपको पहले बता दूं, फिर भी ये अलाउ नहीं है भाई। उसका जो प्रॉफिट है वो तो मिल रहा है, उसको सैलरी किस चीज की ले रहा है, समझ आइए। तो इसलिए अगर कोई इंडिविजुअल हो वो सैलरी लेगा, उसको भी अलाउ नहीं है, और अगर किसी फर्म का पार्टनर हो है, वो मेंबर होके सैलरी ले रहा है, तो वो भी उसको अलाउ नहीं है, बेशक वो काम करे या ना करे, उसको सैलरी अलाउ नहीं है, लॉ ने उसको मना किया है। सर अगर स्पाउस हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं मैंने ये नहीं कहा ब्रदर, ब्रदर से मुराद है कोई रिश्तेदार, कोई भी हो, स्पाउस जो है वो अगर काम कर रही है या कर रहा है, उसको आप सैलरी दे रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, अजम्पशन के साथ कर सकते हैं आप। अच्छा जी, उसके बाद है एनी अमाउंट कैरी टू रिजर्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे किसी रिजर्व फंड में, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर सिंकिंग फंड है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, तो कोई भी रिजर्व आपको अलाउ नहीं है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉट अलाउड, तो ये सारी प्रोविजन आपको अलाउ नहीं है। अच्छा जी, अब ये वाला पॉइंट जो है ये खासकर आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, किस लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और वो है एओपी। ये किसके लिए है, सिर्फ एओपी के लिए है। Any profit on debt, interest, brokerage, commission, एक ही चीज है, salary or other remuneration paid by AOP to member, वो उसको allow नहीं होगी। अच्छा यहाँ क्या rent लिखा हुआ है, इसका मतलब लॉ ने रेंट नहीं कहा, अगर एओपी अपने मेंबर का घर इस्तेमाल कर रही है, उसको रेंट पे करेगी उस पार्टनर को, तो ये फिर उसका एक्सपेंस होगा और इस मेंबर की क्या होगी, इनकम होगी, ये बात याद रखें। लेकिन अगर एओपी अपने मेंबर को इसके अलावा कोई रेमुनरेशन दे, इंटरेस्ट वगैरह, तो वो डिस अलाओ हो जाएगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो सिर्फ यही चीजें जो लॉ ने कही हैं, हम इन्हीं को कंसीडर करेंगे, ठीक है। बिजली का बिल उसका पे कर दिया, सुई गैस का बिल पे कर दिया, होटल बिल्स पे कर दिए, ये सारे डिसअलाउ होंगे, सिर्फ किसके लिए, एओपी के लिए, ये याद रखना है। इसका मतलब अब जब हम चैप्टर नंबर अब 15 करेंगे, उसमें जो एओपी के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर इस लाइन को हमेशा याद रखेंगे। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लीजिएगा, ये था जी हमारा। अच्छा, अब ये जो बात आई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके सामने मौजूद है। इससे पहले जरा हम लिस्ट डाउन कर लें कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक समरी उसकी, इसको रीकैप कर लें। नंबर वन, हमने पढ़ा कि अगर आप कोई भी टैक्स अलाउ नहीं है। नंबर टू, हमने ये पढ़ा कि अगर आप पेमेंट कर देंगे विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो फिर आपको वो अलाउ नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा कि आपके जितने भी टैक्सेस होते हैं, एडवांस टैक्स, वो भी आपको एक्सपेंस अलाउ, सॉरी वो तो पहले भी हो गया था, वो आपको अलाउ नहीं होंगे। उसके बाद हमने ये बात की कि जो आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, वो लिमिट के साथ सब्जेक्ट टू रूल 10 उसके अंदर ही आपको अलाउ होंगे। उसके बाद हमने ये बात की कि एक नहीं, कमीशन सिर्फ एओपी के लिए है। अभी जो हमने बात की कि एओपी अगर अपने मेंबर को कुछ पेमेंट करेगी तो वो उसको अलाउ नहीं होगी। फिर उसके बाद हमने बात की कि फाइन और पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, वो भी आपको अलाउ नहीं होगी। फिर उसके बाद हमने बात की
कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करेंगे अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, पेंशन फंड में, सुपर एनुएशन फंड में या ग्रेचुटी फंड में, तो वो भी आपको अलाउ नहीं होगा अनलेस के आप उसको अरेंजमेंट करें ताकि आप उसकी पेमेंट कर देंगे। और इसके अलावा पेमेंट फॉर थर्ड शेड्यूल आइटम सर जी, वो पेमेंट फॉर थर्ड शेड्यूल आइटम रिटेल गुड्स, वो हमने कुछ डिफरेंट इसमें आगे थी कि अगर आप कमीशन पे करेंगे, इसमें हमारे पास एक सेक्शन था 108A प्लस सबसेक्शन CA ऑफ 21, कमीशन अगर आप पे करेंगे तो किस पर्सन को जो थर्ड शेड्यूल की आइटम में डील कर रहा हो और ATL में शामिल ना हो, वो भी आपको डिसअलाउ हो जाएगी। तो आपने इस तरह से इसको रट्टा लगाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आपने इसको रट्टा लगाना है कि ये वो आइटम्स हैं जो अलाउ नहीं होंगे। जी सर, ये डीलरशिप सेक्शन 108B नहीं है? बी होगा, बोल सकता हूँ सर। ये बी हो सकता है जी। सर ये बिजनेस में सेक्शन याद करने सेक्शन याद करने का बेटा फायदा ये होता है कि आपने जैसे कहेंगे जी सेक्शन 18 बिजनेस का, सेक्शन 19 स्पेकुलेटिव का, 36 इसके हो गए, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने इनकम को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम कहते हैं सेक्शन 20 और 21 ये दो हो गए एडमिसिबल और इनएडमिसिबल, को जनरल एडमिसिबिलिटी ऑफ डिडक्शंस आ गई। फिर आप कहते हैं जी 22 और 23 ये डिप्रिसिएशन का हो गया, एक ग्रुप हो गया। उसके बाद 24 और 25 अमोर्टाइजेशन के दो सेक्शन हो गए। तो सेक्शन याद करने से साथ ये होता है, एग्जाम में नहीं आए, एग्जाम में नहीं है, याद करने से ग्रुप्स के अंदर वो चीजें रिटेन रह जाती हैं। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि बेटा जब आप आर्टिकल्स करेंगे ना, तो आर्टिकल्स के दौरान ये लोग हम लफ्ज इस सेक्शन से बात कर रहे होते हैं, सेक्शन 20 क्या कहता है, 21, तो ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आपका एग्जाम में भी फायदा हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा प्रैक्टिकली भी, और प्लस फाइनल में। तो कितने फायदे हो गए आपको, कैफ लेवल में प्लस आर्टिकल्स में प्लस आपको सीफैप में प्लस आपकी लाइफ में, तो कितने फायदे हैं? तो क्या आपका क्या ख्याल है, आपको याद करने चाहिए नहीं करने चाहिए? करने चाहिए सर। वो वैसे रो पड़ता है यार, बंदे से बात कर रहे हो सेक्शन के रेफरेंस के साथ। देखा नहीं डॉक्टर जाकर नायक जो है वो आयत का रेफरेंस देते हैं तो पूरी दुनिया में जनाब बल्ले बल्ले हो गई है जनाब, ये बंदा जो है हर बात रेफरेंस से करता है। ठीक है, तो ये फायदा होता है, समझ भी आ जाती है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, पहले जब मैं पढ़ाता था तो मैं देखता था बच्चों को, मैं सेक्शन याद नहीं करवाता था, तो मैंने देखा कि वो कंफ्यूज होते हैं। जब से मैंने सेक्शन याद करवाने शुरू किए हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, फिर वो ये नहीं कहता सर मैं कंफ्यूज हूँ। अच्छा जी, अब आ गया हमारा आखिरी आज का ये सेक्शन होगा, इसके बाद हम बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन, एनी एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांजेक्शन जी सर, एओपी में सिर्फ रेंट अलाउ है? एओपी में मैंने कहा वो इनके अलावा, एग्जांपल दी है, मैंने एग्जांपल दी है कि आप सिर्फ यहाँ पर लॉ ने चूंकि लिस्ट दे दी ना, अगर वो कहता कि एनी एक्सपेंस एनी पेमेंट मेड टू द मेंबर इज डिसअलाउ, तो फिर तो सारे डिसअलाउ थे। जब उसने हमें लिस्ट दे दी है तो मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट दे दी है इसका मतलब उसने कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी, उसने हमें लिख के दिया कि ये पांच एक्सपेंस हैं जो अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब बाकी जो एक्सपेंस को, जैसे मैंने रेंट की टिपिकल एग्जांपल दी कि आप किसी मेंबर का घर इस्तेमाल करते हैं, कोई और भी ऐसा एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन वो किसी रेमुनरेशन की शक्ल का ना हो, इंटरेस्ट की शक्ल का ना हो, ये उसके रिवार्ड के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए जो वो परफॉर्म कर रहा है। ओके सर, एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजैक्शन पेड और पेबल अंडर अ सिंगल हेड,
सिंगल हेड से क्या मुराद है, जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है ना, जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है उसमें आप अकाउंट लिखते हैं ना, सैलरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, रिपेयर, इसको सिंगल हेड कहते हैं। विच इन एग्रीगेट एक्सीड्स 250,000 और पूरा एग्रीगेट मुराद पूरे साल का, एग्रीगेट से क्या मुराद है पूरे साल का, पर एनम, पर ईयर, पर टैक्स ईयर, एक्सीड 250,000 मेड अदर देन बाय क्रॉस चेक ऑन अ बैंक और बाय क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और क्रॉस पे ऑर्डर और एनी अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इतनी बात भी लिख दी जाती है तो मेरा ख्याल था कि काम बन जाना था, एनी क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। जब भी पेमेंट करें तो आपने कैसे करनी है, उसकी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करनी है, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के बिजनेस बैंक अकाउंट के थ्रू होनी चाहिए। अच्छा, एग्जाम में एक दफा आया कि वो जो डायरेक्टर था उसने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, एक दफा ऐसे एग्जाम में आया कि उसने अपने पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर दी, तो इसको बैंकिंग चैनल नहीं समझा जाएगा, ये डिस अलाउ हो जाएगा। तो दो चीजें आ गई कि ये उस वक्त रूल लगेगा जब ये अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा है। अच्छा, भी अगर 2.5 लाख से कम होगी या 2.5 लाख तक होगी तो फिर ठीक है, फिर आप कैश के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और पर्सनल अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोवाइडेड दैट ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, कहते जी क्या ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, द आंसर इज यस, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बिजनेस अकाउंट को यूज करना, टू द पेयर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द पेई, ठीक है, एज वेल एज पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, वो भी बिजनेस का हो, शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांजेक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच ट्रांजेक्शन आर वेरीफाइबल, लेकिन वो लोकेट हो सकती हो कि किसने किसको पेमेंट की है, लेयर के ऊपर लेयर नहीं चढ़ानी, समझते हैं ना, जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो क्या करते हैं, आजकल तो ये बड़ा हॉट एरिया हमारा टॉपिक बना हुआ है कि ए पहले बी को पेमेंट करता है, बी सी को पेमेंट करता है, सी डी को पेमेंट करता है, डी ई को पेमेंट करता है, ई दोबारा ए के अकाउंट में डाल देता है, तो वो पता ही नहीं चलता पैसा कहां से कहां कहां पहुंच गया। तो ये नहीं, बिल्कुल वेरिफाइबल हो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसको आप छोड़ दें, ये एक्सेप्शन है, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि ये बात शैल नॉट अप्लाई, कहां कहां अप्लाई नहीं होगी, नंबर वन एक्सपेंडिचर्स नॉट एक्सीडिंग 25,000, ठीक है, 25,000 से अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर ना हो तो उसकी भी पेमेंट आप कर सकते हैं। तो आप फौरन कहेंगे सर ऊपर 2.5 लाख और ये 25,000, इससे क्या फर्क है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट, ट्रेवल, पोस्टेज एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, फी, फाइंस और एनी अदर स्टैट्यूटरी पेमेंट्स, सिर्फ ये वाली पेमेंट, बिजली का बिल 10 लाख का कैश दे दे, फ्रेट चार्जेस आपने जहाज के ऊपर माल चढ़ाया, ठीक है, आपने शिप वालों को पेमेंट भी कर दे, सारी की सारी कैश में कर दे, टिकट आपने परचेज की, ट्रेवल फेयर की सारी पेमेंट कर दे, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, सारे अलाउ है, पोस्टेज पे कर दे, फिर इसको वो जो क्या है आपका DHL है, आपका TCS है, इन इदारों को, लेपर्ड को, ये सारी पेमेंट अलाउ है, टैक्सेस दे दे, कोई मसला नहीं। एग्जाम्पल देखिएगा, टोटल ऑफिस एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 300,000, ऑफिस एक्सपेंडिचर्स है, ऑल एक्सपेंडिचर्स वर मेड थ्रू क्रॉस चेक एक्सेप्ट 30,000
एंड रुपीज 20,000 इन कैश। सारे एक पेमेंट हमने कैश में की, इसमें एक पेमेंट हमने कर दी 30,000 की कैश में और एक कर दी 20,000। तो लॉ ने कहा कि आप 25,000 तक की पेमेंट जो सिंगल ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं, किसमें? कैश में। इसलिए जो 30,000 है वो डिसअलाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हेड ऑफ अकाउंट 3.5 लाख से इंक्रीज कर चुका हुआ था, इसलिए आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो गया। अगली सुनिएगा, टोटल ऑफिस एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 200,000, ऑल पेमेंट्स वर मेड थ्रू क्रॉस चेक एक्सेप्ट 50,000 एंड नथिंग इज डिसअलाउड। क्यों? क्योंकि आप उसकी लिमिट को ही आपने क्रॉस नहीं किया। टोटल फ्रेट चार्जेस दिस पेड, द होल एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड इन कैश, नथिंग इज अलाउड, डिसअलाउड। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्शन में जा रहे हैं, ये पेमेंट आप कैश में कर सकते थे। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पेड प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ 150 थ्रू हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, डिसअलाउड। सारी अमाउंट डिसअलाउ कर देगी। उसने बैंकिंग चैनल को तो इन्वॉल्व किया लेकिन पेमेंट जो थी अपने अकाउंट से कर दी, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा। अब जरा मजीद इसकी एग्जाम्पल एग्जाम पॉइंट से सुनिएगा। मैंने एक पेमेंट की 50,000 की चेक के थ्रू, टैक्स नहीं काटा, ठीक है, तो ये अलाउड है। क्यों? क्योंकि 50,000 पर मंथ टैक्सेबल इनकम हो तो साल की कितनी होगी? 6 लाख रुपया। तो 6 लाख पे तो टैक्स ही नहीं है, तो लिहाजा ये अलाउ हो जाएगी। अब सुनिएगा, मैंने पेमेंट कर दी 50,000 की कैश के थ्रू। अच्छा, एम्प्लॉइज को, ये भी आगे सेक्शन आएगा कि आप एम्प्लॉइज को $25,000 पर एम्प्लॉई पर मंथ पेमेंट कैश में कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने कैश में पेमेंट कर दी और टैक्स नहीं काटा, नॉट अलाउड। क्यों? ये डिफॉल्ट हुआ, सबसेक्शन एल का डिफॉल्ट हुआ, टैक्स तो कटता नहीं था। अच्छा, थर्ड सुनिएगा, मैंने पेमेंट की 70,000 की कैश के थ्रू और टैक्स विदहेल्ड कर लिया, नॉट अलाउड। ये तो डिफॉल्ट ही हुआ, टैक्स कटता था काट लिया, ये डिफॉल्ट हुआ, ठीक है। अब तो सुनिएगा, मैंने पेमेंट कर दी 70,000 की चेक के थ्रू, नो विदहोल्डिंग टैक्स, तो नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट नहीं हुआ, पेमेंट मैंने बैंकिंग चैनल के थ्रू की है लेकिन मैंने टैक्स नहीं काटा, ये डिफॉल्ट हुआ। अब सुनिएगा, पेमेंट मैंने कर दी 70,000 की चेक के थ्रू और टैक्स भी विदहेल्ड किया, ये अलाउ होगी, अलाउड। समझ आई है? तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। और देखें, मैं एक सेक्शन के ऊपर इतने आराम से इसलिए टाइम लगा रहा हूं कि आपको आगे तकरीबन जितने क्वेश्चन आने हैं चैप्टर 15 में, हर एक जगह पर सेक्शन 21 ने आना है, फिर आपने मेरे से क्यों पूछना है। तो इसलिए प्लीज अभी से इसकी अच्छी तरह तैयारी करके बैठिएगा। सर, वो जो एक अलग अमाउंट लिखी हुई है एक्सीडिंग 25,000 नॉट एक्सीडिंग, वो